गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे विल रीड सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर 3 द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग ऑफ क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक. इन पार्ट 1 विल हैव द स्टोरी ऑफ अ सीगल एंड हाउ ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट फ्लाइंग एंड हाउ ही कम टू नो दैट हाउ टू फ्लाई एंड ही ओवरकम हिज फियर. Now in second story, the black aeroplane, here the pilot was lost in a storm and how he come out of that storm and who helped him, I will come to know when we read this chapter. Let's start the chapter. Second part, the black aeroplane. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. The moon was coming up in the east. पूरब से जो चंद्रमा है वो भी ऊपर आ गया था सामने बिहाइंड में मेरे पीछे. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी और जो स्टार्स थे वो भी मेरे ऊपर बिल्कुल साफ वेदर था और तारे चमक रहे थे. मीन्स द पैलेट वॉन्ट्स टू टेल कि आकाश जो है पूरी तरह से साफ था, चंद्रमा नज़र आ रहा था उसे, स्टार्स वर देयर एंड द स्काई वॉज कम्प्लीटली क्लियर. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, कोई बादल नहीं थे. Even a single cloud was not there in the sky. I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. कि जो countryside का area था यहाँ पर मैं बड़ा ही means इसके ऊपर उड़ते हुए अकेला आकाश में मैं बड़ा ही खुश हो रहा था. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. France के ऊपर से मैं वापस इंग्लैंड जा रहा था अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन से उड़कर, मींस फ्लाइट में था. आई वाज ड्रीमिंग ऑफ माय हॉलीडे, मैं अपने उस हॉलीडे के बारे में ड्रीम कर रहा था. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माय फैमिली, और मैं खुश हो रहा था ये सोचकर कि अपने फैमिली के साथ मैं फिर से रहूँगा. आई लुक्ड एट माय वॉच, 1:30 इन द मॉर्निंग, मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा एंड इट सेड 1:30 कि सुबह के 1:30 बज चुके थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे पेरिस कंट्रोल जो रूम है जहाँ से सारी जो है डायरेक्शंस वगैरह सारे डिसाइड होते हैं, मैंने सोचा कि मुझे वहाँ कॉल करना चाहिए. आई थॉट, मैंने सोचा. एज आई लुक डाउन, जब मैंने नीचे देखा, पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन के पास ही, आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा कि एक बड़े शहर की जो लाइटें थी सिटी की वो मेरे सामने थी. मैं लाइटें मीन्स मैंने देखी रोशनी. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को ऑन किया एंड सेड और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी. और उसने पेरिस कंट्रोल रूम में मिलाया अपने डकोटा DS 088, अपने एरोप्लेन का नंबर उन्हें बताया और उनसे पूछा क्या वो उन्हें सुन सकते थे, सुन सकते हैं. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं इंग्लैंड के जाने वाले रास्ते पर हूँ अपने. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली, और वहाँ से कंट्रोल रूम से एक आवाज़ भी आई रेडियो पर उसके पास, DS 088 आई कैन हियर यू, यू ओ टू टर्न 12 degrees वेस्ट नाउ. और उसने जो रास्ता पूछा इंग्लैंड जाने के लिए, जो रास्ता था उसने उन्होंने बताया भी उसे कि आप अपने एरोप्लेन को 12 degree पश्चिम में घुमा दीजिए और हम आपको सुन सकते हैं. आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने मैप को भी देखा, कंपास को भी देखा जो कि दिशा सूचक यंत्र होता है. स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और जो मेरा कि दूसरा जो टैंक था, लास्ट फ्यूल टैंक था, मैंने उसको ऑन किया. आई टर्न द डकोटा 12 degrees वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और इंग्लैंड की तरफ मैंने अपने डकोटा एरोप्लेन को 12 degrees पर पश्चिम की तरफ मोड़ लिया. I'll be in time for breakfast. मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर पहुँच जाऊँगा. I thought, मैंने सोचा. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. English breakfast बहुत ही अच्छा मुझे लगता था and everything was going well. सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था. It was an easy flight. बहुत ही easy आरामदायक flight थी वो मेरे लिए. Paris was about 150 kilometers behind me. पेरिस अब मुझसे 150 किलोमीटर पीछे था. व्हेन आई सॉ द क्लाउड, जहाँ पर मैंने क्लाउड्स को देखा था, स्टॉर्म क्लाउड्स जो तूफानी बादल थे, दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, वो ऐसे लग रहे थे ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एक बहुत बड़े माउंटेन्स की तरह जो मेरे सामने आकर खड़े हो गए थे स्काई के आसमान के बीचों बीच. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, ना मैं इनके ऊपर से जा सकता था और ना ही मैं यहाँ इनसे फ्लाई कर सकता था इनमें से.
एंड मैं ये जानता था, आई डिड नो हैव आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और ना ही मैं नॉर्थ और साउथ घूमकर, मेरे पास इतना फ्यूल था अभी मेरे एरोप्लेन में कि मैं यहाँ वहाँ घूमकर उसको वेस्ट कर देता हूँ. नाउ द पायलट डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस विच ही हैव व्हेन ही वॉज ऑन हिज वे फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड. आई वॉन्ट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए. आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना चाहता था मैं. आई वॉन्टेड टू दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट खाना था, दैट इंग्लिश ब्रेकफास्ट. आई टेक द रिस्क, और मैंने ये रिस्क लिया. मैं ये रिस्क लूँगा, आई थॉट, मैंने सोचा. एंड फ्ल्यू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्ट्रॉम, और मैंने उस तूफान के बीच में, मीन्स उन बादलों के बीच में ही अपने डकोटा एरोप्लेन को उड़ा दिया. इनसाइड द क्लाउड्स, क्लाउड्स के अंदर एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ एकदम से ब्लैक हो गया था. आई वॉज मीन्स बिल्कुल अंधेरा छा गया था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना इम्पॉसिबल था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प एंड ट्विस्टेड इन द एयर, ये एरोप्लेन एकदम से उछला, ट्विस्टेड इन द एयर, हवा में घूम गया. आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा. इट कुड नॉट बिलीव, आई कुड नॉट बिलीव, यू कैन सी इन द पिक्चर दैट the pilot was in his aeroplane and the black clouds were there and he was in the storm and it was impossible to see outside and another aeroplane was also there. Let's see what happened with that. My eyes, वो और मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका. The compass was turning round round and round, कि जो compass था वो भी लगातार गोल गोल घूमे जा रहा था. मीन्स वो डेड हो चुका था, खराब हो चुका था. it was dead, वो खराब था. इट वुड नॉट वर्क, और ये काम भी नहीं कर रहा था. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी एकदम से खत्म हो गए थे, डेड हो गए थे, खराब हो गए थे. टू आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो की पर कोशिश की कि उस पर ही मैं कुछ मैसेज छोड़ूं. पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, देयर वॉज नो आंसर. लगातार मैं पेरिस कंट्रोल रूम में आवाज़ करे जा रहा था, कनेक्शन किए जा रहा था, बट वहाँ से कोई आंसर नहीं आ रहा था. कनेक्ट करने की कोशिश के बाद विद द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो चुका था. आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज. मेरे पास कोई रेडियो नहीं था सिग्नल देने के लिए, कोई कंपास नहीं था जहाँ से मैं डायरेक्शन का पता लगा सकता. आई कुड नॉट सी इवन कि वेयर आई वॉज, वो बाहर इतना अंधेरा था कि वो ये भी नहीं देख सकता था कि वो कहाँ था, मैं कहाँ था. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में गुम हो चुका था. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और उन ब्लैक क्लाउड्स के बीच में बिल्कुल मेरे पास, आई सो अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरे एरोप्लेन को देखा. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसकी विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, और मैं इसे देख सकता था बिल्कुल मेरे सामने, इसको उड़ते हुए इस स्टॉर्म के बीच में. आई कुड सी द पायलट्स फेस, पायलट के चेहरे को भी मैं देख सकता था. टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ मुड़ा था. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देख कर बड़ा खुश भी हुआ. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया, हिलाया, एंड ही वॉज सेइंग फॉलो मी, फॉलो मी, और हाथ उठाकर वो मीन इशारा किया जाता है कि उसे फॉलो करूँ मैं. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं, उसे पता है कि मैं गुम हो चुका हूँ. एंड आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और मैंने सोचा कि वो मेरी कोशिश कर रहा था मुझे हेल्प करने की. ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने नॉर्थ की तरफ धीरे से अपना एरोप्लेन घुमाया. इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने से, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि ये मेरे लिए आसान हो सके उसको फॉलो करना. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. और मैं बड़ा खुश था उस strange aeroplane के पीछे चलकर, एक obedient बच्चे की तरह मैं उसके पीछे पीछे चला जा रहा था. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me. आधे घंटे के बाद भी वो strange black aeroplane अब भी वहाँ था मेरे सामने, इन clouds, clouds के बीच में. Now now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब जो मेरा फ्यूल टैंक था Dakota एरोप्लेन के अंदर, सिर्फ वो 5-10 मिनट ही और चल सकता था, उससे ज़्यादा फ्यूल उसके अंदर नहीं था, इतना ही उड़ सकता था उस फ्यूल से मेरा एरोप्लेन. I was starting to feel frightened again, मुझे फिर से डर लगने लगा. But then he started to go down, फिर वो एकदम से नीचे
जाने लगा एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने भी तूफान के बीच से उसको फॉलो किया, उसका पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और अचानक से मैं क्लाउड से बाहर आया। सो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, लाइट से भरी हुई दो अजनबी लाइन्स मुझे दिखाई दी लंबी। इट वॉज अ रन वे, एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। और ये क्या था, एक रन वे था, एयरपोर्ट था, वहाँ मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं ब्लैक एरोप्लेन में अपने फ्रेंड को देखने के लिए मुड़ा, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश में कुछ नहीं था। नोबडी वॉज देयर, नथिंग वॉज देयर, देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ नहीं था वहाँ पे। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, मैं इसे कहीं नहीं देख सका। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोडा नियर द कंट्रोल टावर, मैंने लैंड किया वहाँ पे, उतरा मैं वहाँ से। वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम डकोडा, ओल्ड डकोडा से मैं दूर जाने के लिए मुझे कोई दुख नहीं हुआ। नियर द कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर के पास आई वेंट एंड आस्ट, कंट्रोल टावर में मैं गया, मैं वहाँ गया एंड आस्ट अ वुमन, एक महिला वहाँ थी, उनसे मैंने पूछा इन द कंट्रोल टावर, कंट्रोल सेंटर, वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, मैं कहाँ था और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक्स कहना चाहता था। शी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, और अचानक उसने बड़ी स्ट्रेंजली मेरी तरफ देखा एंड देन लाफ्ड और हंसी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। अनदर एरोप्लेन, एक और एरोप्लेन अप देयर इन द स्काई, इतने तूफान में ऊपर, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज कोई एरोप्लेन ऊपर नहीं उड़ रहे हैं एंड उड़ रहे थे, योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, रडार पर सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन में देख सकती थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली, तो मुझे वहाँ पर पहुँचने के लिए किसने मेरी हेल्प की, विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक्स में इतना फ्यूल भी नहीं था, फिर भी। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन था वो पायलट उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, स्टॉर्म में जो उड़ रहा था विदाउट लाइट्स, बिना किसी लाइट्स के। सो क्लास दिस इज स्टोरी टू अबाउट फ्लाइंग ऑफ चैप्टर 3 क्लास 10th बुक इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट। इन दिस स्टोरी पायलट वॉज लॉस्ट इन अ स्टॉर्म ऑन हिज वे टू इंग्लैंड एंड व्हेन ही वॉज अबाउट टू लूज हिज जॉब ही सो दैट अनदर पायलट वॉज देयर इन द स्टॉर्म विद हिज इन हिज ब्लैक एरोप्लेन एंड हेल्प हिम फॉर हिज सेफ लैंडिंग एंड व्हेन ही लैंडेड सेफली ही वॉन्टेड टू नो अबाउट दैट पायलट एंड वॉन्टेड टू थैंक him for his help for helping him, but the woman in the control tower told him that no other aeroplane was there up in the sky, she could see only his aeroplane there, and now the man the pilot was in confusion that who that pilot in that on that strange black aeroplane who helped him for his safe landing. So class, until question answer of this chapter will I will discuss in my next video. Until you watch the video, share, like and please subscribe. Thank you. Have a nice day.